मलेरिया के बुखार में कम कपी होती है, और इसका परमानेंट इलाज पूरे संसार में मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी में डॉक्टरों का दोष नहीं दे सकते, फार्मेसियों का दोष है, जो कि वो नुस्खा पूरा नहीं बनाते। स्वास्थ्य विचार में तो हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब यहाँ पे तो कम कभी कोई बुखार वाले को सूखी बेल गिरी पीस करके पाउडर बनाते हैं, 10 ग्राम पाउडर आधा गिलास पानी के साथ गुनगुने पानी से फक्की मार के पीने को देते हैं, और एक एक घंटे में 4 खुराक के देते हैं, एक दिन में बुखार उतर जाता है, कम कभी बंद हो जाती है। क्योंकि बेल अमृत है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और अंदर जाके रोग के कीटाणुओं को ये भी ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। हर एक रोग के अंदर खून के अंदर कीटाणु होते हैं जी। जो हमारे शरीर के सेल हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं, जब वो हार जाते हैं तो शरीर में रोग पैदा होता है। जब उनको ताकत ज़्यादा मिलती है, वो लड़ाई में जीत जाते हैं, तो रोग खत्म हो जाता है। तो जो हमारे शरीर के सेल हैं जो बीमारियों के साथ लड़ते हैं, उनको ताकत देने के लिए बेलगिरी का पाउडर एक किस्म का रामबाण है। और ऐसे भी यदि आप 12 महीने हफ्ते में 10 दिन में या रोज भी ले सकते हैं 10 से 15 ग्राम, तो ना तो आपको बुखार आएगा, ना आपको कमजोरी आएगी, और पेट भी ऐसे साफ होगा जैसे सिर का बोझ जा फेंक के आदमी को राहत मिलती, ऐसे पेट में राहत रहेगी।